हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कमल नंदलाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करे क्या ना करे में वेलकम करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल क्या करना है और क्या नहीं। और एक खास बात, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल उपाय भी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष, क्या करें? पूजा घर में चंदन के 3 अगरबत्ती जलाएं। मेष, क्या ना करें? हल्दी का सेवन ना करें। वृष, क्या करें? लौंग घिसकर मस्तक पर तिलक करें। वृष, क्या ना करें? समय का दुरुपयोग ना करें। मिथुन, क्या करें? माता पिता के नाम पर गरीब को खाना खिलाएं। मिथुन, क्या ना करें? लेदर से बनी चीजों का प्रयोग ना करें। कर्क, क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क, क्या ना करें? निराश ना हो। सिंह, क्या करें? पक्षियों को तिल डालें। सिंह, क्या ना करें? तली चीजें ना खाएं। कन्या, क्या करें? विष्णु मंदिर में 7 हल्दी की गांठे चढ़ाएं। कन्या, क्या ना करें? मीठा चावल ना खाएं। फ्रेंड्स, अब है स्पेशल अनाउंसमेंट। कुंडली टीवी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन देखना ना भूलें। और प्रोग्राम के लास्ट में, इस प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आज का विशेष उपाय। तो बने रहिए मेरे साथ। तुला, क्या करें? चावल पर सिंदूर लगाकर चिड़ियों को डालें। तुला, क्या ना करें? पीले कपड़े ना पहनें। वृश्चिक, क्या करें? पूजा घर में जीरा और लौंग चढ़ाएं। वृश्चिक, क्या ना करें? गर्म तवे पर पानी ना डालें। धनु, क्या करें? गेहूं के दाने तवे पर रखकर जला दें। धनु, क्या ना करें? मन में चल रही उलझने किसी को ना बताएं। मकर, क्या करें? मूंग दाल की खिचड़ी खाएं। मकर, क्या ना करें? मन की बात कहने में देर ना करें। कुंभ, क्या करें? परिवार के साथ समय बिताएं। कुंभ, क्या ना करें? मामलों को तूल ना दें। मीन, क्या करें? किसी धर्मस्थल में अमरूद चढ़ाएं। मीन, क्या ना करें? कोई नई योजना ना बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है आज के स्पेशल उपाय का। ये स्पेशल उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें छोटी मोटी चोट लगती रहती है आए दिन। कभी हाथ से ब्लेड में कट लग जाना, कभी शेव में कट लग जाना, कभी पाँव में चोट लग जाना। तो ये उपाय करेगा आपकी छोटी छोटी चोट लगने से रक्षा। क्या करना है आपको? लाल कपड़े में गेहूँ लेकर आपको सर से 8 बार वारनी है और इसे किसी हनुमान जी के मंदिर चढ़ा देना है। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि अगर मुझ पर जो चोट लगती रहती है मुझे, उससे मेरी रक्षा कीजिए। और उस समय पे आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम रक्ष रक्ष हुम फट। ये मंत्र पढ़िए और जो सारी समस्याएं हैं इनसे निजात पाइए। तो फ्रेंड्स, कल क्या करें और क्या ना करें मैं इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जहां मैं आपको बताऊंगा आपको परसों क्या करना है और क्या नहीं। तब तक के लिए मैं कमल नंदलाल आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेता हूं कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन एक ख़ास बात और, हमारा YouTube चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।